स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस है 30। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट, मतलब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का सिम्बॉल कैसा होता है, ये जो सिम्बॉल है ये सिम्बॉल होता है स्क्वायर रूट का। ओके, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। फर्स्ट नंबर है 625, 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो नंबर है इस नंबर को हमें फैक्टराइज करना होगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, 625 को हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, ये होगा 5 से डिवाइड। हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, देन 5 2 10 एंड 5 5 25। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 10 एंड 5 5 25। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25 एंड 5 1 5। देखो ये क्या है, फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले भी हमने फैक्टराइज करना सीखा हुआ है। तो अभी ये क्या किया, 625 को हमने फैक्टराइज कर लिया। तो इसके फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे, 625 के फैक्टर। तो 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 5। ओके, इसमें हमें जो सेम नंबर है उस नंबर का हमें पेयर बनाना है, मतलब जोड़ी बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये 5 और ये 5, ये एक पेयर बन गया, ये 5 और ये 5, ये एक पेयर बन गया। ओके, ऐसे हमें कितने पेयर मिल गए, 2 पेयर। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू, इस पेयर में से एक 5 और इस पेयर में से एक 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस पेयर में से एक 5 मल्टीप्लाई इस पेयर में से एक 5, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, स्क्वेयर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25, मतलब 625 का स्क्वेयर रूट आ गया 25। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा 625। आप अपने नोटबुक में ना 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखो, जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा 625। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 1225, इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले इन नंबर को हमें फैक्टराइज करना होगा। देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 5 से डिवाइड। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10, यहाँ पे बचेगा 2, 5 4 20, 5 5 25, ये भी 5 से डिवाइड होगा, 5 4 20, यहाँ पे बचेगा 4 इसके सामने आ गया तो कितना हो जाएगा, 45, 5 9 45। अब ये देखो ये किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 49, 7 भी किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 7। ओके, अब हम यहाँ इसके फैक्टर लिखेंगे, 1225 के फैक्टर कौन से हैं, 5 × 5 × 7 × 7। अब हमें क्या करना है, इसमें जो सेम नंबर है उसका हमें पेयर बनाना है। तो देखो यहाँ पे 5 और 5 का एक पेयर हो गया और ये 7 और 7 का एक पेयर हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू, ये दोनों 5 में से एक 5 और ये दोनों 7 में से एक 7। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 5 7 35, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो होगा 1225। इसे आप चेक कर सकते हो। देखो थर्ड नंबर है 289, इसका भी हम स्क्वेयर रूट निकालेंगे। 289 को हम पहले फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो नंबर है ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ये 17 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 17। ओके, तो फिर यहाँ पे आएगा 17 7 119। आप चाहे ना 289 को यहाँ पर साइड में ऐसे लिख लो और इसको 17 से डिवाइड करके देख सकते हो। देखो 17 1 17
माइनस करेंगे 8 माइनस 7 वन, 2 माइनस 1 वन, ऊपर से लेंगे 9, 17 7 जा 119। ओके यहाँ पे क्या आ गया 17। अभी 17 भी किससे डिवाइड होगा, 17 से ही डिवाइड होगा, 17 वन जा 17। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर निकाल दिए, यहाँ पे लिखेंगे 289 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 17। यहाँ पे देखो जो सेम नंबर है इसका कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है ना, 17 मल्टीप्लाई 17। यहाँ पे हम लिखेंगे 289, स्क्वेयर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। 17 का 289 का स्क्वेयर रूट क्या आ गया 17। फोर्थ नंबर है 4096, तो सॉल्व कर लेते हैं 4096। इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे। देखो यहाँ पे ना जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 क्या है इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 0 यहाँ पे एज इट इज लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 8 है इवन नंबर है, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 0 एज इट इज लेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन देखो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा होते जा रहा है, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारा 1 आ गया, इट मीन्स यहाँ पे ये फैक्टराइज हो चुका है। यहाँ पे हम फैक्टर लिखेंगे 4096 इज इक्वल टू, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स क्या है, 2 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 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 2। हमने यहाँ पे कितने 12 बार लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें इसका पेयर बनाना है, तो देखो ये एक पेयर हो गया, 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 ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया, तो हमें टोटल कितने पेयर मिले, 6 पेयर मिले। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 पेयर मिल गए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑफ 4096, हर एक पेयर में से हमें क्या लेना है, 2 लेना है, तो देखो इस पेयर में से 1 2, 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 इस पेयर में से 1 2 और इस पेयर में से 1 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, यहाँ पे आ गया 64। तो स्क्वेयर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। इसका जो 4096 का स्क्वेयर रूट है वो कितना है, 64 है, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट नंबर है 1089, यहाँ पे हम इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे, 1089 पहले हम फैक्टराइज करेंगे, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे बचेगा 1, इसके आगे जाएगा कितना हो जाएगा 18, तो 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अभी क्या है 121, अभी देखो ये जो है ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 ज़ा 11, अगेन 11 1 ज़ा 11, 11 किससे डिवाइड होगा, 11 से ही डिवाइड होगा, तो 11 1 ज़ा 11। अब इसके फैक्टर लिखेंगे, 1089 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 3 × 3 × 11 × 11। अभी जो सेम नंबर है उसका हम पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो 3 3 का एक पेयर हो गया और 11 11 का एक पेयर हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑफ 1089 इज इक्वल टू, ये दोनों 3, मतलब ये एक पेयर में से हम 3 लेंगे और ये 11 के पेयर में से हम 11 लेंगे,
तो क्या हो जाएगा, 3 × 11। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 11 × 3 = 33, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 1089 = 33। यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हमारा आ गया स्क्वेयर रूट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 144। इसका स्क्वेयर रूट आप हमें कमेंट बॉक्स में।